बहुत सारी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें मेरे लिए कह दी हैं, और मैं पता नहीं, मुझे तो कौशल के कहने से पता चला कि मैं कैसा हूँ, और कौशल तो मेरे लिए छोटे भाई जैसा है। अभी लॉकडाउन में हम कुछ ज्यादा बिजी हो गए एक्चुअली, लोग तो फ्री हो गए, हम बहुत बिजी हो गए। जब कौशल का फोन आया तो मैं उसे मना नहीं कर पाया, और जब ये पर्पज बताया पॉजिटिव जिंदगी का तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप कौशल जैसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट हैं, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत ग्रो किया है, बहुत बड़ा काम किया है, जमीन से खड़ा होकर यहाँ तक पहुंचा है। नॉट ओनली कौशल, पूरी फैमिली, उसकी बिटिया, उसकी वाइफ सब मिलके एक नई दिशा में काम कर रहे हैं, और आप लोग भी इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है इस समय पे जहाँ सब लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। जब कौशल ने कहा कि भैया किस विषय पे बात करनी है, तो मैंने कहा मेरा सबसे प्रिय विषय जो है वो है ड्रीम, और मैं उसमें घंटों 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 बात कर सकता हूँ, मैं दिनों बात कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत वाइड सब्जेक्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट के बारे में बात करने पे। जिंदगी की शुरुआत में अगर मैं बात कहूँ तो बिना ड्रीम के हो नहीं सकती। अगर मैं बात करूँ स्पिरिचुअल लाइफ की, मैं बात करूँ सोशल लाइफ की, फाइनेंशियल लाइफ की, मैं बात करूँ गुड हेल्थ की, तो हर जगह हर चीज के लिए पहला कदम बढ़ाने के लिए आपको इस सपने की जरूरत है। और दुर्भाग्य ये है, मैं इस पर क्यों ज्यादा बात करना चाहता हूँ कि दुर्भाग्य ये है कि लोग सपने का मतलब नहीं समझते हैं, दुर्भाग्य ये है कि लोग ये नहीं जानते। सर आपका ऑडियो म्यूट हो गया है सर। હા કરે હા ગામ વાડીએ વાડીએ તમારા માટે સ્પેશિયલ આવ્યો દેવા માટે યસ હા મુજે શાયદ વહાં સે કિસી ને હોસ્ટ ને કોસ્ટ ને મ્યુટ કિયા હે તો અબ તો ઠીક હે અબ સા સાઉન્ડ આ રહા હે યસ સર સર ફિર સે ઓડિયો ઓફ હો ગયા હે સર जो को होस्ट या होस्ट है ना वो म्यूट ऑल करता है, इसलिए मैं भी हो जाता हूँ। हाँ तो पॉइंट ये है कि जब भी बेटा किसी सपने की बात करता है या माँ बाप किसी सपनों की बात करें या कोई भी सपने की बात करता है, तो हमें लगता है कि तो ये बेकार की बात है और ये सही नहीं है, क्योंकि हमें सपने की डेफिनेशन पता नहीं होती। मैंने उसे बहुत काम किया है, मैंने बहुत रिसर्च की है, पढ़ाई की है, बहुत लिखा है इसमें, इसलिए मैं आपसे बहुत शान के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सपने का मतलब होता है एक गोल, एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक रीजन, और वो कैसा होना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी आपकी जिंदगी का कोई गोल हो, मैं अगर मेरे बच्चे की काउंसलिंग करता हूँ कि बेटा अब क्या करना है, या कोई मुझसे आगे पूछता है कि मुझे अब मैं जिंदगी में क्या करूं, तो मैं उससे सबसे पहले ये पूछता हूँ कि बेटा तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम चाहते क्या हो। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं उनके पेरेंट्स लेके के भैया अब इसको क्या करना चाहिए, कौन सी लाइन में डालना है, तो मैं पूछता हूँ कि लाइन की बात तो मैं बाद में करूंगा, क्वेश्चन ही गलत है, बेसिक क्वेश्चन गलत है कि कौन सी लाइन में जाना चाहिए इसको और क्या करना चाहिए, क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ इसको करना क्या है जिंदगी में। अब वो बता नहीं पाते हैं तो मैं कहता हूँ आंख बंद करो, आंख बंद करके ये विजुलाइज करो कि क्या चीज है जिससे तुम्हारी जिंदगी में एक्साइटमेंट आता है, क्या करोगे जिससे तुम्हारी जिंदगी में एक लाइवलीनेस आएगी, क्या करोगे जिससे तुम्हें सेटिस्फेक्शन होगा, क्या करोगे जिससे तुम्हें लगेगा यस आई डिड इट। लिमिटलेस होके सोचो, ये नहीं अरे ये तो कर ही नहीं सकते, ये तो होगा नहीं, पहले सोचो ना, फिर उसको हम एनालाइज करेंगे। ये नहीं कह रहा हूं कि जब तुम सोच लोगे तो वो करेंगे, जब तुम सोचोगे फिर हम उसे एनालाइज करेंगे, क्या वो पर्सनलाइज है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो मेरे को सर्वज्ञ ने आके मेरे बेटे ने मुझसे कहा आज से कोई 15 साल पहले कि मुझे क्रिकेटर बनना है, मैंने कहा यस यू कैन, तुम बन सकते हो, पहली बात तो ये कि तुम बन सकते हो, लेकिन अब ये बताओ सबसे पहले कि 125 करोड़ में से 12 लोग हैं, अब रियलिस्टिक पे आओ, और वो 12 कौन है। दुर्भाग्य ये है कि 12 वो नहीं है जो बहुत बढ़िया खेलते हैं, 12 वो हैं जो अच्छा खेलने के साथ साथ जिनके पास रिसोर्सेज हैं, पॉलिटिक्स है, जिनके पास में कनेक्टिविटी है, और वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाए।
मतलब कितने लोग होते हैं वो एक मैच खेल के बढ़िया खेलने के बाद भी हटा दिए जाते हैं, तो अकेला इंपॉर्टेंट ये नहीं है ना। अब उसके बाद फिर आ गए तो उसमें कंटिन्यूटी बने रहना, और अगर 0.1% नहीं आ पाए तो पूरी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन बना रहेगा या मैंने कर नहीं पाया, और तुम गाना गाते रहोगे अपने बच्चों को और जाके कोई 10,000 रुपए 20,000 रुपए की नौकरी करते रहोगे सरकारी, और ये कहोगे मैं तो क्रिकेटर बनना था नहीं बन पाया। तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो, उसकी रियलिस्टिकनेस चेक करो, उसमें क्या मेरी योग्यता, मेरा हार्डवर्क, मेरा पैशन काम आएगा या कुछ और चीजें भी काम आएंगी जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए लिमिटलेस होके सोचना बहुत जरूरी है, सोचो लिमिटलेस होके सोचो, लेकिन उसके साथ ये सोचना जरूरी है कि वो रियलिस्टिक है। लोग आ जाते हैं मेरे पास बात करते हुए, कहते हैं मेरा तो सपना ये है कि मुझे तो दान देना है। मैं कहता हूँ माफ करना, मैं तुम्हें रोक रहा हूं, और ऐसी चीज के लिए रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। सुनो, लोग पैसा कमाते हैं तो दान देते हैं, ऐसा नहीं होता कि दान देने के लिए आदमी पैसा कमाए, क्योंकि वो दान देना तुम्हारा पर्सनलाइज ड्रीम नहीं हो सकता, वो तुम्हारा पेनफुल ड्रीम नहीं हो सकता। मैं नया वर्ड दे रहा हूं आपको, क्योंकि कल को कोई चैलेंज आएगा तो तुम वो काम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मुझे दान देना है इसलिए मुझे पैसा कमाना है। लेकिन उसके साथ अटैच होना चाहिए एक पेनफुल ड्रीम, एक पेन, एक दर्द। जब आपको आपका सपना याद आए तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए, जब आपको अपना सपना याद आ जाए तो आपके शरीर में एक फरूरी आ जाए, आपकी आंखों में आंसू आ जाए। वो पेन चाहिए मुझे, वो दर्द चाहिए मुझे, और वो जब पेनफुल ड्रीम होगा वो पर्सनलाइज होना चाहिए, वो डिटेल में होना चाहिए। उसकी जितनी डिटेल कर सकते हो, जितना डिफाइन कर सकते हो, उतना डिफाइन होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में, मुझे कौशल ने बताया कि यहाँ पे सब फील्ड के लोग हैं, आप जिस फील्ड में, मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं तो आज की शाम आपको इस बैठ के सोचने की जरूरत है कि ये काम मैं क्यों कर रहा हूं। अगर आप ग्रो कर रहे हैं और आपको और ग्रो करना है तो आपको ये सोचने की जरूरत है ये काम मैं क्यों कर रहा हूं और मुझे क्यों करना चाहिए। माफ करना, एक दुकानदार है जो दुकान लेके बैठा है, मैं उससे पूछता हूँ तेरा ड्रीम क्या है, वो कहता है कुछ नहीं। इसलिए दुकानदार कभी अमीर होता हुआ दिखाई नहीं देता आपको, और उसी सामान का काम करने वाला एक दूसरा आदमी ग्रो कर जाता है, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो छोटा सा भी व्यक्ति हो, वो भले ही वही किराने का सामान घर घर जाके डिलीवरी दे रहा हो, क्योंकि उसके पास में एक वजह एक ड्रीम है। लेकिन जो दुकानदार बैठा हुआ है वो अपनी किराने की दुकान लेके बैठा है, कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है, सुबह 9 बजे उठता है, रात को 9 बजे वापस आ जाता है, वो थक रहा है, चल रहा है, हो रहा है, वो रूटीन लाइफ जी रहा है, वो उसकी ग्रोथ ना 10%, 20%, 50% की ग्रोथ से बढ़ती है और ना गिरती भी नहीं है ऑलमोस्ट, जब तक उसी बगल में कोई दूसरा दुकानदार ना आ जाए या कोई लॉकडाउन ना हो जाए। तो जब आपको मैसिव ग्रोथ चाहिए तो कोई रीजन चाहिए, कोई वजह चाहिए, कोई कारण चाहिए। जब ड्रीम होता है ना तो आदमी एक एनर्जी आती है, जब ड्रीम होता है तो आदमी एक रोमांच आता है। मैं रोमांच की बात कर रहा हूं, मैं रोमांस की बात नहीं कर रहा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन रोमांच एंड रोमांस। मैं रोमांच की बात कर रहा हूं, कैसा रोमांच, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक्चुअली क्या ना, ये जो ऑनलाइन जूम मूम पे बात करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि यहाँ भी ट्रैफिक होता है और वो सामने वाली की एक्साइटमेंट मिलती नहीं है, तो खुद को एक्साइटेड रहना पड़ता है, ये विजुलाइज करते हुए आप लोग एक्साइटेड हो, और वो पर्सनल फीलिंग तो आती नहीं है। तो एनीवे, तो मैं रोमांच की बात करता हूं कि आप की एक लड़का है और वो उसकी गर्लफ्रेंड आ रही है सुबह 5 बजे वाली ट्रेन से, और वो रात को 3 बजे उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि 5 बजे गर्लफ्रेंड आ रही है, 3 बजे वो उठ जाता है, नहाता है, कपड़े ढूंढता है कौन सी शर्ट पहनू, फिर कपड़े चेंज करता है कि ये शर्ट अच्छी नहीं लगी, ये वाली पहन लेता हूँ, फिर डिओड्रेंट लगाता है, और फिर बाल माल बना बनू के जेल में लगा के, अब वो साढ़े, अब वो 5 बजे की ट्रेन है, 4:30 बजे तो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि लेट ना हो जाऊं, पहुंचा जाऊं, वो ट्रेन से आएगी, उससे उससे सिर्फ 2 मिनट मिलना है और 2 मिनट मिलकर ट्रेन चली जाएगी, और 2 मिनट मिलने के लिए वो कितना रोमांचित है। मेरे सपनों पर ध्यान देना, रोमांचित है वो। और जब वो चली जाती है तो बिल्कुल नाचता गूंजता और बिल्कुल एक्साइटेड वो पुल पे चढ़ता है और रेलवे स्टेशन से गाना गाते हुए घर आ जाता है। और अगले दिन सुबह पिताजी उठाते हैं 4:30 बजे कि बेटा जरा उठो, सुबह 5 बजे वाली ट्रेन से ताऊ जी आ रहे हैं, उनको लेने जाना है।
अरे यार पापा ये समझते नहीं है ताऊ जी भी, ये कोई टाइम होता है सुबह 5 बजे आने का, ये कोई तरीका हुआ कि 5 बजे आ रहे हैं, अब आ जाएंगे यार वो ओला लेके आ जाएंगे, मैं काय को मेरी नींद खराब कर रहे हो, मैं वैसे ही नहीं सोया हूँ, ताऊ जी बोलो दोपहर में आया करें। मैं पूछता हूँ 5 बजे वो ही ट्रेन थी, एक दिन पहले तू रोमांचित था और दूसरे दिन तुझे वो बोरिंग लग रहा था, क्या फर्क था? क्यों गर्लफ्रेंड थी या ताऊ जी हैं? गर्लफ्रेंड में तेरे पास एक रोमांच था, रोमांच क्या था? क्योंकि एक ड्रीम था, एक एक्साइटमेंट थी, एक फायर थी। मैं क्वेश्चन मेरा ये है कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपके लिए गर्लफ्रेंड जैसा है या ताऊजी जैसा? अगर अगर वो आपके लिए गर्लफ्रेंड जैसा है तो आप डेफिनेटली वह ग्रो करेंगे, और ताऊजी जैसा है तो आप ग्रो तो करेंगे ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, सामाजिक विपरीतताएं आएंगी, परिस्थिति खराब होगी, तो आप डाउन हो जाओगे, आपकी जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं होगी, वो रोमांच खत्म हो गया। सवाल इस बात का है कि मेरी जिंदगी में रोमांच है या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में रोमांच, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी एज क्या है, आपकी एज 10 साल है, आपकी एज 6 साल है, आपकी एज 60 साल है, 80 साल है, 80 साल के लोग भी रोमांचित होते हैं। मैं यहां देख रहा हूं बहुत सारे बुजुर्ग लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सम्माननीय बुजुर्ग, उनके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जो यहाँ है उनके चेहरे पे ऐसे हैं, बुजुर्गों के चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, मुंह लटक जाते हैं, क्योंकि उनने ये डिसाइड कर लिया कि उनकी जिंदगी में कोई रोमांच बचा नहीं, उनने ये सोच लिया कि उनकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट बची नहीं है। व्हाई? अरे ये मनुष्य जन्म खत्म हो रहा है, आत्मा थोड़ी मर रही है, साल दो साल बाद, अरे आप 2-4 साल बाद जाने वाले हो, 2-4 महीने बाद जाने वाले हो, हम 10-20 साल बाद जाने वाले हैं, और क्या फर्क है? तो जाएंगे तो हम थोड़ी खत्म हो जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। जहां जाना है वहां की तैयारी कर सकते हैं, जहां जाना है वहां के लिए एक्साइटेड रह सकते हैं, वहां के लिए रोमांचित रह सकते हैं। सवाल तो रोमांच का है, हम कितने रोमांचित हैं। अगर हमारे पास में एक रोमांच है जो हम काम करें, और अगर नहीं है तो बैठो आज टेबल पे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये फोकट में ना आधा पौन घंटा आपके पास खराब है करने के लिए, ना मेरे पास खराब करने के लिए, ना कौशल के पास। आपका भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात करके निकल जाऊं और फिर कह दूं वाह 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 बहुत बढ़िया हो गया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। आज की रात आपको होमवर्क करना है और उसकी फोटो खींच के आप कौशल को, पॉजिटिव जिंदगी को भेजो कि मैंने होमवर्क किया। अगर आपकी जिंदगी में रोमांच है तो उस कागज पे लिखो कि आपकी जिंदगी में रोमांच क्यों है, और अगर आपकी जिंदगी में रोमांच नहीं है तो आप ये लिखिए कि मेरी जिंदगी में रोमांच क्यों नहीं है। अगर आपने जो अचीव करना था वो सब अचीव कर लिया तो एक स्टेप ऊपर जाओ। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं यार, मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास इतने रुपए आ रहे हैं, मुझे तो अब कोई रोमांच, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं क्या रोमांच करूं? तो कोई बात नहीं, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपने काम को मिशन बना लो। जब आप अपने काम को मिशन बना लोगे तो आपकी एक्साइटमेंट को, आपके रोमांच को कोई धरती में रोकने वाला नहीं है। आपका आपका जो काम है वो मिशन बनना चाहिए। और चैलेंज तो आएंगे, आएंगे चैलेंज, चैलेंज नहीं आएंगे कैसे हो सकता है? भगवान राम, खुद राम भगवान, उनकी जिंदगी के चैलेंजेस कम थे? जब उनको चैलेंजेस बे खत्म कर सकते होते तो कर लेते खत्म। कह देते दशरथ से मैं नहीं जा रहा हूं जंगल में, कह देते दशरथ से कि भेज दो जिसको तुम्हें भेजना हो, नहीं जाता मैं। थोड़ी देर कल्पना करो, अगर हम और आप राम हैं और हमारे पिताजी हमसे कह दें कि जाओ 14 साल वनवास के लिए, तो हम और आपकी प्रवृत्ति कैसी होती? हम क्या कहते पिताजी से? जाना वो चला जाए, मैं तो नहीं जा रहा, बिगाड़ लो क्या बिगाड़ते हो, के को समझा लो, वो तो सौतेली माँ ऐसी कहेगी कहेगी मेरे से। तो हम कुछ भी कह सकते थे, लेकिन राम ने उसे सहज रूप से स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया एज ए टिच, कि ठीक है पिताजी, शायद यही नियति में होना था, मैं जा रहा हूं। तभी तो राम भी अपने चैलेंज को साफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, श्री कृष्ण अपने चैलेंज को साफ नहीं कर पाए, भी अपने चैलेंज खत्म नहीं कर पाए, ईसा मसीह नहीं कर पाए, मोहम्मद पैगंबर नहीं कर पाए। और आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चैलेंज है, मैं सच बता दूं आपकी जिंदगी में इन महापुरुषों के सामने 1% भी चैलेंज नहीं है जिसका हम झुंझुना बजा रहे हैं। हम झुंझुना बजा के बैठे, थोड़ा सा चैलेंज आ गया और हम समस्या आ गई हमारी जिंदगी में कि हम क्या करें। तो क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में रोमांच नहीं है, हमारी जिंदगी में एक्साइटमेंट नहीं है, हमारी जिंदगी में वो फायर नहीं है, हमारी जिंदगी में वो एक पेनफुल ड्रीम नहीं है।
एक ऐसा पेनफुल ड्रीम चाहिए, और नहीं है तो आज की रात लिखो, बैठो, तकलीफ आए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कौशल इस काम का मास्टर है। कौशल ने इस काम पे, इस चीज पे बहुत काम किया है, और मैं आपको ये अधिकार दे रहा हूं कि आप कौशल को फोन करके बात करो कि मुझे मेरे ड्रीम निकालने में दिक्कत आ रही है, ये आपकी ड्रीम एक्सरसाइज करेगा, उसमें आपको डेट डालनी पड़ेगी और उसको अपनी दीवार पे चिपकाना होगा। क्यों चिपका है? शर्म आती है, यस शर्म आएगी, इसलिए तो चिपकाना है कि वो जो शर्म है वो आपके लिए एक पेन का काम करे, वो शर्म जो है वो आपके लिए एक फोर्स का काम करे, वो जो शर्म आपको आ रही है वो आपके ब्रेन को ऑर्डर जाएगा, डे टू डे हर मिनट पे आपको ऑर्डर जाएगा। हम लोग, हमारा जो माइंड है, मेरा एक यूट्यूब लाइव मैंने भी कुछ दिन पहले किया था, ड्राइव योर माइंड, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। मैंने उसमें एक बात कही है, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, इसकी बनावट ऐसी है, हम जल्दी से चीजों को भूल जाते हैं। जब हम चीजों को भूल जाते हैं हमें चीजें याद नहीं रहती हैं, इसलिए हमको दीवार पर चिपकाना होता है वो हैमर करने के लिए। जब आप टीवी देखते हो, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, और जब आप जाते हो किराने वाले की दुकान पे तो आप वॉशिंग पाउडर ले आते हो निर्मा, क्योंकि आपके दिमाग में हैमरिंग हो रही है और सामने वो दिख गया, कनेक्टिविटी बैठ गई और आपने पाउडर उठा लिया। तो टीवी में विज्ञापन करने का, यार इतने साल से तो कर रहे हो, 25 साल तब भी क्यों कर रहे हो? क्योंकि लगातार करना पड़ता है, क्योंकि वो हैमरिंग लगातार करनी पड़ती है, जिसमें बंद हो जाएगी उनकी सेल गिर जाती है। तो ब्रेन का कारण ये, आप जा रहे हैं हाईवे पे और आप 140 की स्पीड पे जा रहे हैं और आपको कुछ होश नहीं है, आपका गाना बज रहा है, आप FM सुन रहे हो आप, और अचानक आप देखते हो रोड के उस साइड एक कार का एक्सीडेंट होता है, एक पत्नी है, एक पति है और एक बच्चा है, पति पत्नी की डेथ हो गई है, बच्चा रो रहा है, और आप रुक के उसे देखते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं पूछता हूँ कि आपकी गाड़ी की स्पीड अब 140 रहेगी? अब आपकी स्पीड हो जाती है 60, और फिर आप बहुत नैतिकता की बातें करते हो, और यार तेज चलने से क्या फायदा है, क्या जरूरत है, धीरे चलो, आधा घंटे पहले पहुंच जाएंगे और क्या हो जाएगा। बहुत नैतिकता की बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि वो आपने एक एक्सीडेंट देख लिया। लेकिन अगला क्वेश्चन है, वो कितनी देर? आधा घंटा नहीं बीतता है और आपकी स्पीड फिर 140 हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप फिर भूल गए, आपके दिमाग से निकल गया वो। लेकिन अगर आप उसे एक पिक्चर ले लो मोबाइल पर और उसका प्रिंट आउट अगर आप स्टीयरिंग पे लगा लो अपनी कार के, तो बताओ कभी जिंदगी में आपकी गाड़ी 60 से ऊपर जाएगी? क्यों? क्योंकि वो हैमर हो रहा है, सामने हैमर हो रहा है, हैमर हो रहा है, हैमर हो रहा है। तो इसलिए आपका जो ड्रीम है, आपका जो वजह है, आपका जो रीजन है, जो चीज आपको रोमांच कर रही है, उसको दीवार पे चिपकाओ, डेट के साथ चिपकाओ, आंख भर के देखो, पी जाओ उसे, उसे आप अपने खून में शामिल कर लो, फिर आपकी जिंदगी में एक रोमांच आ जाएगा। जो काम आप करोगे वो बोझल नहीं लगेगा, और जब ड्रीम आपका बहुत स्ट्रांग होगा तो आप कभी थकेंगे नहीं, आपके मुंह से नहीं निकलेगा कि मैं थक गया, नहीं थकेंगे आप। आपकी थकान तो इसलिए होती है क्योंकि जो काम आप करते हैं उससे आप प्यार नहीं करते। आपकी थकान इसलिए होती है, जो काम कर रहे हैं वो आपका सपना नहीं है, आप मजबूरी में कर रहे हैं, आप नहीं थकेंगे। एक मजदूर जब मकान पे काम कर रहा होता है वो थक जाता है, लेकिन उसके साथ साथ खड़ा हुआ जो मालिक है वो नहीं थकता, वो भी कम काम नहीं कर रहा है, वो भी धूप में खड़ा है, लेकिन वो उस पर रोमांच है नया मकान बनाने का। लेकिन मजदूर के पास कोई रोमांच नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसको शाम को सिर्फ दिहाड़ी के 100 रुपए मिलने हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि वो आपके पास एक फियर होना चाहिए कि अगर ये काम जो आपका ड्रीम है वो अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। आप लोग घरों में बैठे हैं, हम सब घरों में बैठे हैं, अभी किसी ड्रीम की वजह से नहीं बैठे हैं, हम फियर की वजह से बैठे हैं, बाहर निकले तो कहीं कोरोना ना खा जाए। लेकिन सुनो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जो लोग फियर की वजह बैठे, भले ही फियर की वजह से हैं, लेकिन जो लोग फियर के कारण घर के अंदर बैठे हैं वो बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उस फियर को कन्वर्ट कर लिया अपने ड्रीम में, ये लोग एक्साइटेड हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे तो पढ़ने का समय मिल गया है, मुझे लिखने का समय मिल गया है, मुझे बहुत कुछ सोचने का समय मिल गया है। हमने कल पूरे दिन भर टोटल साइलेंस में रखा अपने आप को, फोन ऑफ, इंटरनेट ऑफ, टीवी ऑफ, सब कुछ बंद। घर के हम जितने लोग हैं, 6 लोग, सब लोग टोटल साइलेंस में थे, और मेरी टीम के कोई 1000 लोग टोटल साइलेंस में थे। और जब रात को उनके एक्सपीरियंस सुने तो बहुत जबरदस्त थे, और ये काम हम कब कर सकते हैं, इससे बढ़िया मौका कब लेगा। तो मैंने उस फियर को कन्वर्ट कर लिया अपने ड्रीम में, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लॉकडाउन अब कितने दिन रहता है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है।
आप कहोगे आपको फर्क नहीं पड़ता, पैसे आ रहे होंगे आपके पास, हमारी दुकान बंद है, सो वॉट, आपके डिप्रेशन में जाने से आपकी दुकान जल्दी नहीं खुल जाएगी, आप नए कर्मों का बंद और कर लोगे डिप्रेशन में जाके, दुखी होके परेशान होगी, लेकिन जब खुलना होगी वो तब खुलेगी, आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उतने साक्षी भाव में रहो, उतने एक्साइटेड रहो कि जब खुलनी होगी तभी मैं तैयार हूँ, नहीं खुलनी होगी मैं तब भी तैयार हूँ, मैं हर पोजिशन के लिए तैयार हूँ, क्योंकि थिंग्स आर नॉट अंडर माई कंट्रोल। सो थैंक यू कौशल, थैंक यू वेरी मच, मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, और बताओ सर लोग ये पर्सनली मैं तो जानना ही चाहता हूँ, आपने एक बहुत, आपकी जो पंच लाइन है उस पर आप थोड़ी बात कीजिए कि सपनों की परिभाषा के बारे में। सर किसकी? सपने की परिभाषा सर, जो आपका। हाँ, सपने की परिभाषा। हाँ हाँ, मैं सोच के तो बैठा था कि बोलूंगा, लेकिन मैं बहुत सारी दूसरी बातें कर ली, तो मैं, मेरी एक बुक है 18 चैप्टर्स जो अमेजॉन पे अवेलेबल है, और मैंने उसमें सपनों की परिभाषा लिखी है। जब मैं परिभाषा लिख रहा था तो मैंने बहुत स्टडी की, पर मुझे कहीं वो सपनों की डेफिनेशन मुझे मिली नहीं, और वो बुक लॉन्च करने में कौशल का बहुत बड़ा योगदान था, हमने अहमदाबाद में लॉन्च की थी उस बुक को। What is the definition of dream? क्या है सपनों की परिभाषा? मैं उस किताब में मैंने लिखा है कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना वो है सपना। वर्तमान मतलब अभी, at present, this time, जो चीज असंभव सी दिखाई दे रही है, असंभव नहीं है, seem to be impossible। अगर वो impossible होती तो कभी possible हो नहीं सकती थी। तो चीजें तो असंभव नहीं है, लेकिन जो असंभव सी दिखाई दे रही है उसके बारे में सोचना वो ही सपना है। 1962 में कैनेडी ने सोचा हम चांद पे जाएंगे और वापस भी आएंगे, तो पहले सोचा, वो उनका सपना बन गया। जब सपना बना तो पूरा भी हो गया। हिंदुस्तान क्यों नहीं गया? क्योंकि हिंदुस्तान ने सोचा ही नहीं। सोचोगे तो सपना बनेगा। तकलीफ तो ये है 97-98% लोग सोचते नहीं है, सोचने से डरते हैं। स्टीव जॉब ने पहले सोचा कि एक ऐसा फोन बनाना है जो टच से चले, तो सोचा तो सपना बना तो उसके पीछे पड़ा। जब पीछे पड़ा तो सपना और स्ट्रांग हुआ तो वो पैशन में कन्वर्ट हो गया। जब वो पैशन में कन्वर्ट हो गया और जब पैशन पीक पर चला गया तो वो मिशन बन गया। अब स्टीव जॉब ने फोन इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, तो उसका एक मिशन बन गया कि टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में फैला देना है। आप बोलो ना, आपने भी जो काम किया आपकी जिंदगी में, आप सक्सेसफुल हैं, वो पहले आपने सोचा। अरे छोड़ दो ना सारी बातें, ये जब पति पत्नी बच्चा करने के लिए पहले सोचते हैं या बच्चा पहले पैदा हो जाता है बाद में सोचते हैं? जब वो पहले सोचते हैं कि हमें एक संतान चाहिए, वो बनता है उनका सपना। असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना वो सपना है। इसलिए लिमिटलेस होके सोचना पड़ेगा। आपको मछली चाहिए, आपको 10 लाख रुपए चाहिए महीने की इनकम, कैसे होगा? छोड़ दो ना कैसे होगा, सोचो तो सही। असंभव सा दिखने वाला, और जब सोचोगे तो हो जाएगा, पहले सोचना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, उनने पहले सोचा तब प्रधानमंत्री बने, या बन गए तब पता चला यार ये क्या हो गया। यस, थैंक यू कौशल। सर किसी का क्वेश्चन ये है कि जो आपने दीवार पे सपने लगाने की बात कही, तो लगाने में फिर लोग हंसेंगे तो वो उससे डर लगता है। बस वो तुमने अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं सुना, जो डर गया सो मर गया, और वो जो तुमने लगाना लोग हंसे वही तुम्हारा पेनफुल ड्रीम है। लोग हंसे तो तुम्हें एनर्जी के, छुपा के रख लो, मत लगाओ अपने अंदर, यहाँ छुपा के रख लो, कोई हंसेगा नहीं और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग हंसेंगे नहीं, तो जो रेगुलर लोग होते हैं ना उन पर ना कोई हंसता ना भी कोई बड़ा काम कर पाते। लोग हंसे ना, मैं चाहता हूं लोग हंसे, लोग तुम पर हंसे। जब लोग तुम पर हंसेंगे तभी तो तुम बड़ा काम कर पाओगे उनकी हंसी को बंद करने के लिए। लेकिन तुम अगर उनकी हंसी से डर गए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे। और जितने बड़े काम किए लोग उन पे हंसे ही, सबसे पहले ही हंसे,
हर बड़े काम वाले पे लोग हंसे, और लोग हंसे इसलिए वो बड़ा काम कर पाए। तो हंसने दो लोगों को, और सुनो तुम उन सब लोगों से ज्यादा बड़े इसलिए हो क्योंकि तुमने कम से कम वो सोचने का करेज तो तुम्हारे पास है। उन कमबख्तों के पास तो वो सोचने का करेज भी नहीं है जो हंस रहे हैं। तुम एक स्टेप तो आगे चले गए, अपनी सोच को तो आगे बढ़ा लिया। फिर चीजें जब घटनी होंगी तो घट जाएंगी, जो होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। यस कौशल सर, एक और क्वेश्चन है कि जब हम सपने लिखते हैं थोड़ा लॉजिक सामने आ जाता है कि आज की मेरी परिस्थिति है उसमें ये पूरा होगा नहीं होगा, तो लॉजिकली हो जाता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करें? दो चीजें अलग अलग हैं, एक होता है हाउ, एक होता है वाय। लॉजिक काम करता है वाय पर, है ना, लॉजिक काम करता है हाउ पर। जब वाय की बात करते हो तो लॉजिक नहीं होता। कौन सी चीज में तुमने लॉजिक लगाया, कौन सी चीज में लॉजिक लगाया? जो चीजें हुई हैं जिंदगी में उनमें लॉजिक काम किया। ये जो बटन है ना, ये बटन में तुम लॉजिक लगाओ तो शट ही नहीं बन सकती है, ये बटन नहीं लग सकता है, क्योंकि कितनी बड़ी साइंस है इसमें कि इस बटन यहाँ पर एक छेद होगा, फिर ये सीधा होगा, फिर टेढ़ा करके जाएगा, जब अंदर चला जाएगा तो इसको सीधा कर लोगे। अभी कितना बड़ा काम है, छोटा काम है, कितना मुश्किल काम है ये। एक हुक लगाना, यहाँ पे एक कपड़ा होगा और एक धागा होगा, फिर ये हुक इसमें टंग जाएगा, तो ये कितना बड़ा लॉजिक है। तो लेकिन जब आप जिस ड्रीम के बारे में विचार करते हो, बात करते हो, तब वो लॉजिक काम नहीं करता है, और इसलिए लॉजिक हटा दो। तो जब आप वाय के बारे में बात करो तो हाउ के बारे में मत सोचो। हाउ को बताने वाले, सपोर्ट करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले सब लोग मिल जाएंगे। तो आपके वाय के बारे में सोचो। फेल वो लोग हो जाते हैं जो हमेशा हाउ के बारे में सोचते हैं, और सक्सेस वो लोग होते हैं जो हमेशा वाई के बारे में सोचते हैं। सर, किसी का क्वेश्चन है कि तब क्या करें जब करंट सिचुएशन हमारे पे हावी हो जाती है। सिचुएशन तो हमेशा आप पे हावी रहेगी। आप सिचुएशन पे हावी हो या सिचुएशन आप पर हावी है, हावी तो कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर। पर सोचना ये कि आप परिस्थिति पे चढ़े हो कि परिस्थिति आप पे चढ़ी है, आप घोड़े के ऊपर हो या घोड़ा आपके ऊपर है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और ये सब माइंड गेम है, ये सब कुछ माइंडसेट है। आप माइंडसेट मान के आपको करना पड़ेगा ये सब, इज ऑल माइंडसेट। आप इसे अच्छा मान लो, आप इसे खराब मान लो, दिस इज अंडर योर कंट्रोल। यस कौशल, थैंक यू सर। मोस्टली वही कॉमन क्वेश्चन ही थे जो मैंने आपसे पूछे, लेकिन मैं एक्सपीरियंस सबसे शेयर करना चाहूंगा कि जो भारिल भैया से मैंने सीखा है, और मेरे घर में भी ड्रीम्स लगे हैं और बहुत सालों से लगाता आया हूँ। तो मैंने एक ड्रीम देखा था SUV कार का, राइट, और वो देखा था मैंने कि जनवरी 2021 में मैं लूंगा, वो मैंने डेट के साथ लिखा हुआ था। लेकिन जब सपना बहुत स्ट्रांग होता है और संजोग ऑटोमेटिक बनते हैं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वही सपना मैंने मार्च 2020 में कंप्लीट कर लिया। यस, वेरी नाइस। हाँ, तो इट्स 9 months बिफोर ये टारगेट मेरा अचीव हो गया, जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं SUV कार लूं, तो मेरा 9 महीने पहले वो अचीव हो गया मेरा सपना। तो सपने डेफिनेटली सच होते हैं जब हम लगाते हैं, और बहुत लोगों हंसे भी थे कि ये तो नहीं होगा, ये वो जो रूटीन कहते हैं वही सब मैंने भी बहुत सुना है, लेकिन ये हुआ था। और मैं भैया आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, आपको तो मालूम है लेकिन लोगों को समझ में आए कि 2012 के जनवरी में मैंने अपने ड्राइंग रूम के अंदर एक गूगल से एक लड़की का फोटो डाल के मेरे लगाया था कि हमारे घर ऐसी बेटी हो, राइट, जो जनवरी 2012 में, और बेटी का जन्म हुआ मई महीने में। लेकिन जब हम घर पे आए तो 90% लोगों ने ऐसा कहा कि कौशल तूने आज का आज फोटो भी लगा दिया, कोई फर्क नहीं था सर। सबसे भी बड़ी बात यह है कि जो फोटो में जो लड़की के पीछे जो पिलो होता है, और जब हम उसको घर पे लाके जब हमने सुलाया, वो पिलो का कलर सेम था, पिलो की डिजाइन सेम थी। ओ वाह, तो ये सपनों का पावर है, अगर हम दिल से सोचते हैं तो पूरी फिर कायनात उसमें जुट जाती है हमारे सपने पूरे करने में। yes, बिल्कुल। तो भैया थैंक यू सो मच, थैंक यू कौशल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत पॉजिटिव चेंजेस है आपकी वजह से, तो अगेन
मतलब आपको इनवाइट करते वक्त मैं बहुत कुछ तैयारी की थी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बोल पाया तो नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम तो घर के आदमी हो यार, घर की बात है तुम्हारे साथ। अभी भी शॉर्ट नोटिस पे आपने एक मैसेज, मेरे मैसेज पे आपने कंफर्मेशन दे दिया, अगेन पूरी टीम की थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। और सबका है एक कॉमन क्वेश्चन, वही है कि अब सर का दूसरा सेशन कब हो, तो मैं ही करेंगे, जल्दी करेंगे। अब आप अपने सपने लिखेंगे, मुझसे शेयर करेंगे, फिर हम भारिल भैया का टाइम लेंगे, क्योंकि ऐसे ही उनका टाइम लेने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम अपने के बारे में इतने सिंसियर है तो पहले लिखे, फिर उनसे सब कुछ समझेंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर डेफिनेटली उनसे हम टाइम लेंगे कि हम आगे कैसे बढ़ सके। यस, यूट्यूब पे मेरा इसमें एक फायर सॉरी द पावर ऑफ ड्रीम एक है वीडियो, और भी बहुत सारे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, एसपी भारिल ऑफिशियल के नाम से है। आप वहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी देखने जानने की और समझने की। एक फैमिली रिलेशनशिप पे मैंने एक अभी लाइव किया था, कौशल ने वो देखा था। yes. वो भी बहुत जरूरी है, अपनी पूरी फैमिली के साथ आप बैठ के देखें, उस चैनल पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो थैंक यू कौशल, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड, ये अमेजिंग सेशन था, और आप सब इसकी वीडियो चाहते हैं तो आपका नाम और नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, तो ताकि हम इस वीडियो को भी शेयर कर सके आपके साथ, और आगे वाले जितने भी सेशंस है उसको भी हम आपसे शेयर कर सके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, दैट इज द पॉजिटिव जिंदगी एंड भारिल भैया ऑन द पॉजिटिव जिंदगी स्टेज, थैंक यू सो मच। यस परेश भाई, वॉट ऑफ थैंक्स एंड लेट्स कंक्लूड द मीटिंग।